सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर उधार तेल की सहूलियात पर मुजाकरात जारी हैं। सऊदी अरब के साथ बाहमी मुआहदों के तहत सरमायाकारी पर भी बातचीत हो रही है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि दो ममालिक के अलावा कमर्शियल इदारों से भी बातचीत कर रहे हैं। रवामा IMF से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी हो जाएगी। IMF से कर्ज मंजूरी की हतमी तारीख अभी नहीं दी जा सकती। £190 मिलियन रेफरेंस में बुशरा बीबी के बरियत की दरख्वास्त। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना आज बरियत की दरख्वास्त पर फैसला सुनाएंगे। वकला के दलाइल मुकम्मल करने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। अदालत ने नैब चेयरमैन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त गैर मुअस्सर करार दे दी। बानी PTI की 6 और अहलिया बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में अबूरी जमानत में 19 सितंबर तक तौसी। बानी PTI की वीडियो लिंक पेशी न कराने पर जेल हुकाम की जानिब से जवाब जमा न कराया जा सका। अदालत ने वीडियो लिंक पर हाजिरी न लगवाने पर जेल हुकाम से दोबारा रिपोर्ट तलब कर ली। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने दरख्वास्त से जमानत पर समाप्त की। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंदापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अली अमीन गंदापुर के असलहा और शराब बरामद की केस में वारंट जारी हुए। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट का SHO थाना बारा का हुक्म आज अली अमीन गंदापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। ज़राए के मुताबिक अली अमीन की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीम बनाई जाएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि अली अमीन गंदापुर अदालत में पेश हो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत से ताउन पर तैयार। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, फॉर्म 47 की हो या 45 की, अब यही हुकूमत है, इसी से काम लेना है। हम ओपोजिशन करेंगे लेकिन मुल्क को जरूरत पड़ी तो हमारे खदमात हाजिर हैं। KP और बलूचिस्तान में हुकूमती रेट कायम हो चुकी। मामला सियासतदानों के हवाले किए जाए वरना मसले हल नहीं होंगे। मिसिंग पर्सन एक अहम और इंतहाई संजीदा मसला है। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती तहत में शमूलियत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। GNN से गुफ्तगू करते हुए हुकूमती तहत में शमूलियत सियासी खुदकुशी करार दी। बोले, ऐसा कोई फैसला नहीं किया कि उनके साथ शामिल हो जाऊं। अवाम के हकूक के तहफ्फुज़ के लिए अपनी तहरीक जारी रखेंगे। हुकूमत और अपोजिशन की कोशिशें नाकाम। अख्तर मेंगल का इस्तीफा वापस लेने से इनकार। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह अख्तर मेंगल के घर पहुंचे, इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि अख्तर मेंगल से दरख्वास्त की है कि पार्लियामान का हिस्सा रहें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अख्तर मेंगल के दरमियान मुलाकात मुतवक्के। उधर स्पीकर कौमी असम्बली ने भी अख्तर मेंगल के इस्तीफे पर कार्रवाई रोक दी। उमर अय्यूब और असद कैसर भी अख्तर मेंगल के पास पहुंचे, इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त की। अख्तर मेंगल ने कहा कि दोनों वफूद को बताया है कि कैद से आजादी पर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। जबरो तशद्दुद बलूचिस्तान के इसाल का मसला हुकूमत में उठाया मगर रियासत समझ ही नहीं पा रही। अपोजिशन इत्तेहाद का बलूचिस्तान की सूरतेहाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। महमूद अचकज़ई कहते हैं, राब्तों के लिए कमेटी बना दी जो आज से काम शुरू करेगी। हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम मुल्क गीत एहतजाज करेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रऊफ हसन बोले, एक और वफ्द अख्तर मेंगल के पास भेजेंगे। चाहते हैं मसाइल पार्लियामेंट के अंदर हल हों। 8 सितम्बर को जलसा हर सूरत होगा। असद कैसर बोले, बलूचिस्तान की सूरतेहाल से दुश्मन फायदा उठा रहे हैं, इस पर संजीदगी से मिलकर बैठना चाहिए। हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही। अख्तर मेंगल ने मायूस होकर इस्तीफा दिया। बलूचिस्तान में किसी बलोच ने नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को कत्ल किया। मासूम लोगों को निशाना बनाने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। वज़ीर-ए-आला सरफराज बुख्ती का दो टोक ऐलान। बोले कि मुट्ठी भर दहशतगर्द आसान हदफ ढूंढ कर हमले करते हैं। अब जो हो रहा है ये बलोच कौम के नाम पर जरूर किया जा रहा है लेकिन इसका ताल्लुक बलोच कौम से नहीं है। बलोचिस्तान हुकूमत नौजवान तुलबा को पढ़ने के लिए बाहर भेज रही है। मुल्क दुश्मन इन्हें दहशतगर्द बना रहे हैं।
ये फैसला बलोच कौम ने करना है कि कौन उनकी ज्यादा खिदमत कर रहा है। इस लड़ाई का खात्मा उसी वक्त मुमकिन है जब हम गवर्नेंस के मॉडल को बेहतर बनाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत से ताउन पर तैयार, कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, फॉर्म 47 की हो या 45 की, अब यही हुकूमत है, इसी से काम लेना है। हम ओपोजिशन करेंगे लेकिन मुल्क को जरूरत पड़ी तो हमारे खदमात हाजिर हैं। केपी और बलूचिस्तान में हुकूमती रेट कायम हो चुकी, मामला सियासतदानों के हवाले किए जाए वरना मसले हल नहीं होंगे। मिसिंग पर्सन एक अहम और इंतहाई संजीदा मसला है। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती तहत में शमूलियत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। GNN से गुफ्तगू करते हुए हुकूमती तहत में शमूलियत सियासी खुदकुशी करार दी। बोले, ऐसा कोई फैसला नहीं किया कि उनके साथ शामिल हो जाऊं, अवाम के हकूक के तहफ्फुज़ के लिए अपनी तहरीक जारी रखेंगे। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का आगाज आज से होगा। प्राइमरी स्कूलों के तलबा को गजाई किल्लत के खात्मे के लिए गजाइत बख्श दूध के पैक दिए जाएंगे। वज़ीरे आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ आज डीजी खान में चीफ मिनिस्टर स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगी। डेरा गाजी खान राजनपुर मुजफ्फरगढ़ में गजाई किल्लत के शिकार बच्चों का तनासब ज्यादा है। नायब वज़ीरे आज़म इसहाक डार 5 रोज़ा दौरे पर बरतानिया में मौजूद। लंदन पहुंचने के बाद बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लामी से मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के स्ट्रेटजिक ताल्लुकात को मजीद बढ़ाने का अज़्म, सियासी और दीगर आलमी उमूर पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। गुजरावाला के इलाके सलीम कॉलोनी में गवर्नमेंट स्कूल में तालबात से मुबैना ज्यादती। पुलिस के मुताबिक स्कूल कैंटीन के मुलाजिम इमरान ने मुतअद्दिद बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाने के साथ वीडियोस भी बनाई। मुलजिम के खिलाफ ज्यादती समेत दीगर दफात के तहत 5 मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई जारी है। CPO ने नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली। कौमी क्रिकेटर्स के लिए फिटनेस के हवाले से सख्ती। PCB ने फिटनेस टेस्ट पास करने के लिए मयार 7% कर दिया। जराए के मुताबिक फिटनेस टेस्ट में बेंच पुल, बेंच प्रेस, स्किन पुल, स्क्वाट और लॉन्ग जंप शामिल। 2 किलोमीटर रनिंग मुकम्मल करने के लिए 8 मिनट मुकर्रर, 3 रन के लिए 10 सेकेंड का वक्त मुकर्रर। सख्त जवाबित ने खिलाड़ियों को परेशान कर दिया। अहम खबर शामिल करते हुए आपको बताएंगे, बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी के एक मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर डिस्ट्रिक्ट हाईकोर्ट इस्लामाबाद में समाप्त हुई। बानी PTI की वीडियो लिंक पेशी ना कराने पर जेल हुकाम की जानिब से जवाब जमा ना कराया जा सका। अदालत ने अबूरी जमानतों में 19 सितंबर तक तौसी करते हुए समाप्त मुलतवी कर दी। इस पर बात करेंगे दरीस अब्बासी से। जी दरीस, बताएगा समाप्त कहा। जी बिल्कुल, देखें बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में जमानत की दरख्वास्त पर जो है वो समात डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अफजल मजोका ने की है और बानी PTI की वीडियो लिंक पेश न कराने पर जेल हुकाम ने जो है वो जवाब जमा नहीं कराया। वकील खालिद यूसुफ चौधरी अदालत में पेश हुए, उन्होंने कहा कि आज इनसे ज्यादा दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 4 दरख्वास्त जमानत जो है वो जरिए समात है। इस केस में पूरी जमानत में तोसी की जाए, जमानत की दरख्वास्तों पर समात आइंदा समात पर जो है वो रख ली जाए। वकील सलमान सफदर जो है वो लाहौर में मसरूफ है, इसलिए जमानत की दरख्वास्त तो की जाए। तहम अदालत ने बानी PTI बुशरा बीबी की जो पूरी जमानतों की जो जमानतें थी उनमें तोसी जो है वो करते हुए अदालत ने जेल हुकाम से वीडियो लिंक पर हाजिरी लगवाई। अपडेट करने के लिए शुक्रिया।